तो अभी सब लोगों को शर्ट उतारने बोला है, सब लोग यहाँ पे अभी शर्टलेस हो गए। वेलकम बैक टू माय चैनल। बज गए सुबह के 8 और अभी मैं निकल रहा हूँ होटल से मेरे गोकर्ण के लिए, और सबसे पहले जा रहा हूँ महाबलेश्वर टेम्पल, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के टाइम पे ही जाना बेटर है, नहीं तो बाद में रश हो जाएगी, फिर अपने को बहुत ज़्यादा लाइन लग जाएगी वहाँ पे। तो आज फुल डे हम लोग गोकर्ण में ही रहेंगे, गोकर्ण विजिट करेंगे। मेरा होटल ये साइड है, मेरे होटल से महाबलेश्वर टेम्पल जाने के लिए बीच में ये ब्रिज लगता है, काफ़ी खूबसूरत ये लोकेशन है। वहाँ पे पूरे माड़ के पेड़ है, यहाँ पे भी है, और इतनी बड़ा है ना, मतलब ये अभी कैमरा में पता नहीं कितना अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे एक्चुअली दो ब्रिज है, एक ब्रिज वहाँ पे है वो नया वाला ब्रिज है, और जहाँ पे मैं अभी हुई पुराना वाला ब्रिज है। छोटी सी फोर व्हीलर भी जाती है ना तो भी ये ब्रिज हिलता है। ये ब्रिज एक्चुअली देवगी ब्रिज बोलते हैं इसको। वहाँ पे फिशिंग के लिए नेट्स डाले हुए हैं, वहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। ब्रिज महाबलेश्वर टेम्पल काफ़ी हिस्टोरिकल टेम्पल है, इसकी हिस्ट्री मैं बाद में बताता हूँ। और जैसे इसके सामने ही है श्री महागणपति देव जी का टेम्पल। अरे पार्क करने का चार्ज नहीं है ना कोई? नहीं चार्ज। अच्छा, ये हमको पहनना जाना है कि उनको देने का? नहीं नहीं, पहन के ऊपर घुंडाना पड़ता है। अच्छा, उसके बजाय जाने नहीं देते? नहीं नहीं, नहीं तो इसके ऊपर पहनो तो चलेगा? जिसके ऊपर चलेगा। कितने का? 70 रुपीज। जींस के ऊपर पहनो तो चलेगा ना? चलेगा। अच्छा, तो पहन के कहाँ पे जाना है? अंदर जाके पहनना है या फिर यहीं पे? लाइन में जाता हूँ पहने। ओके, सो भाई ये लुंगी लिए 70 रुपये की, क्योंकि विदाउट लुंगी अंदर जाने नहीं देते, तो जींस के ऊपर ही पहनूंगा। सुबह के 9 बजे, थोड़ी बहुत रश है यहाँ पे, बट बस इतनी नहीं है जितनी मैंने सोची थी। तो भाई ये कुछ मैंने लुंगी इस तरह से पहनी मेरे जींस के ऊपर, इन लोगों ने मुझे लुंगी बांधने में हेल्प की है, ये कुछ इस तरह से बांधी है। एक्चुअली मेरी हाइट कम है इसके वजह से वो ज़्यादा बड़ी होगी, बट ठीक है। आप, आपका नाम? तीस अभी हम जो पुणे जी लोग हैं। तो भाई साहब इन्होंने एक अच्छा सजेशन दिया है मुझे, एक जगह है जहाँ पर ट्रैवल करने के लिए, क्या बोले थे आप? धर्मस्थल। ओके ओके, अब क्या है वहाँ पे एग्जैक्टली? मंदिर। मंदिर मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है? हाँ, हिस्टोरिकल प्लेस है। अच्छा, वेस्टर्न घाट। ओके, ये ट्राई करेंगे। तो अभी सब लोगों को शर्ट उतारने बोला है, सब लोग यहाँ पे अभी शर्टलेस हो गए। तो वैसे कि हम लोग का वही डिस्कशन चल रहा था कि हर जगह ऐसे ही होना चाहिए, जो भी शिव टेम्पल है वहाँ पे ऐसे ही कल्चर है, यही मेन कल्चर है। अपने महाराष्ट्र में बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे जो साउथ इंडियन स्टाइल यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। एंड दिस इज द ओरिजिनल ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर। करेक्ट है, तो ये हमें फॉलो करना चाहिए 100%। हम आज बचाएंगे तो कल बनेगा अपना, तो वी शुड फॉलो। सही है, सही है। मंदिर से निकलने के बाद सामने ही महागणपति का मंदिर है। तो ये जो गणपति मंदिर की प्रतिमा है ये खड़ी है, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में है। महाबलेश्वर मंदिर की कहानी रामायण से जुड़ी है। अमर होने का वरदान पाने के लिए रावण जी ने शिव जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने अपनी छाती में से आत्मलिंग निकालकर रावण को दिया और कहा कि इसकी लंका जाके स्थापना करना, और साथ में एक शर्त भी रखी कि जहाँ तुम्हें इसे स्थापन करना है उसके बीच में कहीं पे भी इस लिंग को ज़मीन पे मत रख देना, जिस वक्त तुम इस लिंग को ज़मीन पर रख दोगे वो वही स्थापन हो जाएगा। आत्मलिंग लेकर रावण लंका की तरफ जा रहा था। रास्ते में जब सुबह हो गई तब रावण को शिव जी की आराधना करने का वक्त हुआ, तभी श्री गणेश बाल रूप में वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने रावण से कहा कि आत्मलिंग मैं संभाल के रखता हूँ, आप नहा कर आइए। लेकिन जैसे ही रावण नहाने के लिए गए, श्री गणेश जी ने वो आत्मलिंग जमीन पे रख दिया और वहीं पे उनकी स्थापना हो गई। अभी मैं हूँ गोकर्ण बीच पे, गोकर्ण मेन बीच है, काफी खूबसूरत बीच है और काफी क्लीन भी है। यहाँ पे बीच एक्टिविटी है, अगर आपको हॉर्स राइडिंग वगैरह करनी है या फिर कैमल राइडिंग करनी है तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और यहाँ पे जेट स्कीइंग वगैरह भी है। ये बीच में काफ़ी हद तक फॉरेनर्स भी रहते हैं, जो हिप्पीज लोग रहते हैं ना वो यहाँ पे काफ़ी है। मैं जस्ट यहाँ से निकल ही रहा था तो अपने एक
ब्लॉगर अपने दोस्त मिल गए। हाय हाय, इनका नाम, जिनके यूट्यूब का चैनल का नाम है ट्रैवलर बुक। काफी बढ़िया वीडियो इन्होंने अभी मुझे दिखाया, मनाली वगैरह के वीडियो से काफी कूल वीडियो से आपको जाके देखना चाहिए। इनका जो चैनल का नाम है मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, प्लीज जाइए सब्सक्राइब कीजिए, काफी बढ़िया वीडियो आपको मिलेगा, कंटेंट देखने में मजा आएगा आपको। आप सपोर्ट करते रहिए नीश भाई को, नीश भाई भी बहुत अच्छा वीडियोस बना रहे हैं और हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई गोकर्णा बीच पे। तो जस्ट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनको जरूर फॉलो करें और इनके वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ कुडले बीच की तरफ, जो कि यहाँ से नज़दीक ही है, जस्ट बाजू में ही है। अरे ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय। आपको दूर दिख रहा है वो है गोकर्ण बीच, जहाँ से अभी मैं आया था और मैं अभी इतना क्लाइम करके आया हूँ। ओम बीच जैसे इसके बाजू में ही है, ज़्यादा बीच बीच हो जाएगा वीडियो में, इससे अच्छा मैं एक अलग डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते नहीं है, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर मैं फॉरेनर्स देख रहा हूँ अभी। सो ये है जटायु तीर्थ करके एक जगह है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी मैं विजिट करने जा रहा हूँ। मेरी बाइक मैंने ऐसी पार्क की है यहाँ पे, और अभी ऊपर की तरफ चढ़ के जाना है मुझे। और कोई तो ग्रुप आया है वहाँ पे फोर व्हीलर से, लेकिन ये पूरा जंगल है, बहुत कम लोग आते हैं ये स्पॉट पे। और जो कुडले बीच है उसके जाने का रास्ता जस्ट वहाँ से है, तो उसके बाजू में ही एक छोटा सा लिफ्ट है, वो लेके फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो जटायु तीर्थ है यहाँ पे, और ये समुंदर देखो गाइस क्या खूबसूरत है। हियर हियर फ्रॉम हियर ओनली, या Is the way to reach over there? This is the way to reach over there? No, my voice is so far. Oh my god. It's too hot. Because I am planning to visit over there, but it's too far, I guess. Yes, it's really far. Okay. I think if it was so hot. एकदम छोटा सा रास्ता है वहां तक जाने के लिए, एक्चुअली वो काफी दूर है। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से थर्ड स्पॉट पे, जो है कुडले बीच, जस्ट इसके बाजू में ही है। बाइक जो है मैंने ऊपर पार्क किया यहाँ पे, और कुछ स्टेप्स है यहाँ पे अब देख रहे हो, तो ये स्टेप्स उतर के फिर नीचे की तरफ जाना है। ये बीच पे मुझे इंडियन कम फॉरेनर ही ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन इतनी रश नहीं लग रही है आज, मतलब बहुत कम रश लग रही है। मेरे पीछे कुछ कैफेज है, वो कैफेज में भी सब फॉरेनर्स और सब टेबल बुक के। एक्चुअली मुझे कुछ खाना था, सोचा था खा लूँ, पर वो सब लोग वहाँ पे बैठे हुए और उठने का नाम ही नहीं ले रहे, तो मैं बीच पे आया घूमने। इन हिप्पीज की मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, बाजू में इतना हिस्टोरिकल प्लेस है, मतलब एक ऐसा टेम्पल जो हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है, और बीच पे जस्ट के बाजू में ही ये सब चीज़ें, आई मीन थोड़ा कभी कभी समझ में नहीं आती कोई चीज़। ड्रिंक वगैरह करनी है ना, तो इसके लिए ये बीच बहुत बढ़िया है। ये बीच पे आप ड्रिंक वगैरह कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लड़कियों को अगर वेस्टर्न आउटफिट में स्विमिंग करनी है या फिर फोटोज़ खिंचवाने हैं, तो ये बीच इसके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ज़्यादातर 90% लड़कियाँ मतलब फॉरेनर्स हैं यहाँ पे। ये मेरा थर्ड डेस्टिनेशन था, अभी फोर्थ डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, ओम बीच की तरफ। वैसे तो ओम बीच जाने के लिए बाहर से भी रास्ता है जो पूरा घूम के जाता है, जो 4.5 किलोमीटर का है, बट ये मैं काफ़ी अंदर अंदर से आया हूँ, तो ये कुछ 1.4 किलोमीटर का, लेकिन ये रास्ता काफ़ी खूबसूरत है। छोटा सा रास्ता है, एकदम छोटा सा रास्ता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक थ्री व्हीलर जाएगी, फोर व्हीलर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बड़े रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, और शांति इतनी है ना ये रास्ते पर, पूरा हिल के ऊपर से जाता है ये रास्ता। थोड़ा बहुत रॉकी बीच है ये, मतलब अपने बैंड स्टैंड जैसा मुंबई के, वो माउंटेंस काफ़ी बढ़िया है बीच में ही, और सैंड अगर आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पे है। कॉम्बो बीच है ये, और वहाँ से अभी हम लोग आए थे, तो वहाँ पे बोटिंग भी है। अगर आपको एक बीच से दूसरे बीच अगर जाना है
तो बोट आपको लेके जाएगी वहाँ से, उसका कुछ 400-500 कॉस्ट होता है। ये बीच के बारे में बोला जाता है कि यहाँ पे वेल्स भी आते हैं, जब सीजन रहता तब यहाँ पे वेल्स आती है, मतलब ये पोर्शन में होम बीच के। कसम से अगर वेल आ जाती ना अभी तो मज़ा आ जाता। कितने का है? एक 300 रुपीस। ये कितने का? कम नहीं? कम। हाँ, नो ना, नो। देखो थोड़ा और कम करके। और कम नहीं। मैंने शर्ट लिया है वहाँ से, बोलने के लिए 600 बोल रहा था लेकिन आप बार्गेनिंग कर सकते हो, मैंने 250 में लिया है। कूल है, मतलब ये लोकेशन के लिए ऐसे ड्रेसेस बढ़िया है। तो बार्गेनिंग करने के मामले में अपना मुंबई के लोगों का कोई जवाब नहीं रहता। तो अभी मैं जा रहा हूँ कडले बीच पे। कडले और कुडले दो अलग अलग बीच है, दोनों दूर है एक दूसरे से। अभी जो मैं गया था सुबह वो कुडले बीच था और अभी मैं जो जा रहा हूँ वो कडले बीच है। एक्चुअली मैं खुद कन्फ्यूज़ हुआ था इस चक्कर में, आप भी कभी कन्फ्यूज़ मत होना। कुडले और कडले दो अलग अलग बीच है और दोनों एक दूसरे से खाली 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मेरा ना एक फंडा है, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना तो वहाँ के कुछ ना कुछ खुफिया चीज़ें तो ढूंढ के ही निकालता हूँ। अभी मैं हूँ होलंगड़े बीच पे। ये बीच का नाम आपने ज़्यादातर सुना नहीं होगा। यहाँ पे दूर वो जो दिख रहा है वो है कडले बीच और ये है हेलंगड़ी बीच। यहाँ पे पब्लिक नहीं रहती ज़्यादा, सबको गोकर्णा पता है, कुडले पता है, हाफ मून बीच वगैरह पता है, लेकिन ये बीच ज़्यादातर पता नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कितनी सारी रश थी और अब ये बीच का नज़ारा देखो। ये देखो भाई साहब, कोई भी नहीं है, सिर्फ दूर कुछ लोग बैठे और नीट एंड क्लीन बीच है पूरा। सनसेट हो जाएगा थोड़ी देर में क्योंकि 5 बज गए। वहाँ पे बोट्स है, अगर आपको दिखाई देंगे तो मैं दिखाता हूँ। फोटो के लिए वो लोकेशन बहुत बढ़िया है और कोई भी नहीं है भाई। यही अगर बोट्स कुडले या फिर गोकर्णा बीच पे रहती तो फिर भरी पड़ी रहती। देखो एक्टिविटी करने की बात अलग है, अगर एक्टिविटी के अलावा आप अगर शांति चाहते हो या फिर समुंदर में जाके मज़ा करना चाहते हो ना तो फिर ये बीच आपके लिए बेस्ट है। वहाँ पे कडले, ये है होलंगाड़े और इसके आगे है बाड़ा बीच और उसके भी आगे है निर्वाणा बीच। तो ये सब बीच है, ये सब लाइन से है। देखो भाई एक चीज तो है, ये बीच है ना काफी सुनसान है, मतलब यहाँ पे कोई नहीं है। फोटोज निकालने के लिए, वीडियो बनाने के लिए और रील्स बनाने के लिए ना इससे बेहतर बीच नहीं मिल सकता। और जो मेरा प्लान है ना उसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है। मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं कल का दिन कारवार में जाऊंगा, कारवार विजिट करूंगा, लेकिन गोकर्णा में मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे बोला कि जो वॉर म्यूजियम में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसके लिए बंद है। तो फिर कारवार में देखने लायक ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं क्योंकि वॉर म्यूजियम था और बीचेस है। खैर आज तो दिन भर बीचेस ही घूम रहा हूँ। तो कल का दिन में चेंजेस ये है कि कल के लिए मैं सोच रहा हूँ कल मैं मुरुडेश्वर जाऊँगा, जो भगवान शिव का पूरा बड़ा सा स्टैचू है एकदम, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ से मुरुडेश्वर 50 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पहले मैं सुबह जल्दी निकल के भी आराम से विजिट करके अच्छा खासा शूट करके रिटर्न आ सकता हूँ। तो मेरा ये प्लान ऑलमोस्ट बन जाएगा। तो आप चैनल पे बने रहना तो आपको पता चल जाएगा। अभी थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा। सो ये जो है ये मेरे दिन का लास्ट डेस्टिनेशन है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा हो तो भी लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मिलता हूँ आपको कल नई जर्नी के साथ। टिल देन राइड सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।